भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर बिंबा, हिमानी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर बंटी बबली, फेयर एंड लवली, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। लेकिन तुम तो कॉमेडियन हो, तुम हमको क्या दोगे? तो हमने कहा पिताजी हम आपको कंधा देंगे। हम तो का पकड़ी पकड़ी भर ले बोरिया में, अब की जौन दिन मिलबू अंजोरिया में। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अर्चना में मेरी भी एक ना गर्लफ्रेंड थी और वो ना मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि आप ना मुझको अपने साथ भगा ले चलो। मैंने उससे कहा कि हम जब से सिमट की आपकी बाहों में आ गए, कितने पुलिस दरोगा राहों में आ गए। जब से हम सिमट की आपकी बाहों में आ गए, हमने तो छुप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। तो अर्चना मैम आज हमारे पड़ोसी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी याद ही नहीं, नहीं तो हम भी मना लेते हैं। क्योंकि हम 15 साल तो लिविंग रिलेशन में रहे और पिताजी ने घर से मार के भगा दिया, अब 5 साल रेलवे स्टेशन में रहे। हम लोग ऐसी जनरेशन में रहे कि हमेशा बिना टिकट के रिजर्वेशन में रहे, और हम वो तीखे मिर्चे हैं भैया कि हमेशा सने बेसन में रहे। तो अर्चना मैम एक दिन मेरी साली ने मुझसे कहा कि जीजा तुम हमको बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैंने साली से कहा हम तो का पकड़ी पकड़ी भर ले बोरिया में, हम तो का पकड़ी पकड़ी भर ले बोरिया में, अब की जौन दिन मिलबू अंजोरिया में। हमरे संगे रहीबू तो बड़ा मजा पाईबू, जवन जवन चाहिबू तू उहाई उहाई खाईबू, तो का खीर भर के देबे तो का खीर भर के देबे कटोरिया में। हमरे जैसे आशिक तू कबहू न पाईबू, जहां जहां जाइबू तू लौटी लौटी आईबू, तो का उमर भर रखब नजरिया में, अब की जौन दिन मिलबू अंजोरिया में। तू का केहू से के राय नहीं चाही, हम दोनों है एक मंजिल के राही, यही खड़ा बाट रानीगंज बजरिया में, अब की जौन दिन मिलबू अंजोरिया में। ये कोई गाना तो है नहीं, लेकिन मैं आपके शो में आया तो इसलिए सुना दिया। लेकिन इसको कोई कोई समझ पाया, कोई कोई नहीं समझ पाया, और कोई कोई तो ऐसे है जो हमको भी नहीं समझ पाया। लेकिन इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, हमारे पिताजी भी हमको नहीं समझ पाए। हमारे अम्मा के 12 बच्चे थे जिसमें कि नंदलाल वर्मा ही सबसे अच्छे थे। तो हमारे पिताजी एक दिन हमसे बोले कि हमारा कोई बेटा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है,
कोई पुलिस में है, कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, लेकिन तुम तो कमेडियन हो, तुम हमको क्या दोगे? तो हमने कहा, पिताजी हम आपको कंधा देंगे, वो भी आपके प्रेम में होके अंधा देंगे, और हो सकेगा तो हम आपको कल सुबह ही दे देंगे। तब से हमारे पिताजी हमसे डरने लग गए कि पता नहीं साला कब हमको कंधा दे दे। देखिए, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये कॉमेडी अच्छी कर लेता है, तो अर्चना मैम कॉमेडी तो चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमारा सिद्धांत और स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। हमारा सिद्धांत और स्वभाव क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। हम कबो लई बात तो बई कर गैया भैंसिया चरऊ बई कर यूपी में बर्मा कलर का दूधवा मा पानी मिलऊ बई कर कहता जवन पिए होए पिए नहीं तो जाए नहीं पालब भैंस भैया नहीं पालब गाय जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ नैरो के पीछे दो पुरुष फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर बिंबा हिमानी नेचुरल क्रीम ब्यूटी पार्लर पंटी बबली फेयर एंड लवली वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत की न पुरुषार्थ की न परमार्थ की सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। वैसे तो कोई कॉमेडी उमेडी तो है नहीं, कॉमेडी तो हमारे कपिल भैया करते हैं। एक दिन मेरी पत्नी ने पूछा कि आप अच्छी कॉमेडी क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा कि अगर मैं अच्छी कॉमेडी करूंगा तो सारी पब्लिक मेरी कॉमेडी क्यों देखेगी, और जो ये सब कॉमेडी करते हैं बड़े बड़े कॉमेडियन हैं, इनकी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, भूखे मरने लग जाएंगे। आप लोगों ने मुझको बड़े ध्यान से सुना। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। कपिल भैया सबको पानी पिलाते रहना यार, क्योंकि गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है क्योंकि पहले इतना लब किए कि लबरा हो गए, और अब की बार गर्मी इतनी पड़ी कि ससुर हम किसी कबरा हो गए। कबरा तो आप लोग समझते ही होंगे ना, अरे समझने वाले समझ रहे चित कबरा किसको कहते हैं। तो कपिल भैया इधर अर्चना में बैठी हैं, तो कुछ इनके लिए भी चार लाइनें बोल देता हूँ। कौन अब राजा बनेगा बोल दरबानी के बाद, कौन खिचड़ी खाएगा स्वादिष्ट बिरयानी के बाद। अरे जब स्टेज पर बैठी हो सुंदर हसीना तो कौन थूथन देखेगा चेहरा नूरानी के बाद। तो कपिल भैया अब की बार करवा चौथ के व्रत पर हमारी पत्नी श्रद्धा कर तैयार हुई और बोली कि मैं कैसी लग रही हूँ जरा बताना तो। मैंने कहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें जिनको भी मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके वो भी तुमको झांके उनको हो गया तुमसे प्यार कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुझे मेरे यार
कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुझे मेरे यार। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।